हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो साथियों, वन हम अभी का टॉपिक देखेंगे वह बर्ड मीनिंग, जो साइनोनियम बर्ड को हम जो प्रीवियस ईयर प्रश्नों का संग्रह है। पहला वर्ड है असेंबल। असेंबल मतलब होता है एकत्रित करना, यानी इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, गैदर करना, अमास करना। कलेक्ट हो जाएगा इसका, गैदर होगा, और क्या होगा, अमास होगा। इसका असेंबल मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। अगला असरेशन। असरेशन मतलब होता है दावा करना। क्या चीज़ करना, दावा करना किसी चीज़ का, कि यह चीज़ मेरा है। उसका मतलब क्या करना, असरशन करना, डिक्लेरेशन करना। डिक्लेरेशन एक होता है घोषणा करना, तो उसमें मतलब कोई व्यक्ति घोषणा कर रहा है, यानी क्या कर रहा, अपना दावा कर रहा है। तो सेंस वाइज ये क्या है, सही है। असर्टिव। असर्टिव मतलब होता है निश्चयात्मक। असर्टिव सेंटेंस होता है, एक होता है इंट्रोगेट, एक क्या होता है असर्टिव मतलब पॉजिटिव सेंस में। तो डोमिनेटिंग करना, क्या करना, डोमिनेटिंग करना। असर्टिव मतलब क्या होता है, डोमेन मतलब क्या होता है, किसी पर दबदबा बनाना, डोमिनेटिंग करना। अगला है असेस। असेस मतलब होता है आकलन करना, क्या करना, जैसे एग्ज़ाम लिया जाता है स्कूल में, तो उसमें क्या होता है, असेसमेंट होता है। मतलब आपके द्वारा जो असेसमेंट, मतलब दो तरीके का, एक फॉर्मेटिव होता है, एक होता है सम्मेटिव। फॉर्मेटिव क्या होता है, आपका जो पढ़ें चैप्टर यूनिट वाइज, उसके बारे में आपका क्या होता है, असेसमेंट होता है, आकलन होता है कि आपने क्या सीखा। तो ये क्या नहीं, एक मेज़र हुआ, पैमाना हुआ। एक होता है क्या, सबमिटिव असेसमेंट, जो क्या होता है, साल 6 महीना पर होता है, मतलब साल में 2 बार होता है। तो ये हुआ आपके असेसमेंट करने का तरीका। मतलब अस्टॉनिश। अस्टॉनिश मतलब होता है सरप्राइज होता है, वंडर होता है। ये सारे क्या, आश्चर्य का बोध कराता है। क्या होता है, आश्चर्य का बोध कराता है, सरप्राइज का बोध कराता है। उसको बोलते हैं क्या चीज, अस्टॉनिश बोलते हैं। अगला अस्टोनिशमेंट, देखिए यहाँ पर अस्टोनिशमेंट मेंट लग गया, यानी नाउन बन गया, इसका मतलब होता है आश्चर्य, यानी वंडर। अगला एस्टिट्यूट। एस्टिट्यूट मतलब होता है धूर्त, चतुर, यानी सेरियुड, सेरियुड बोल सकते हैं इसको। क्या होता है, एस्टिट्यूट होता है, मतलब क्या होता है, धूर्त, चतुर। अगला एट्रोसिटी। एट्रोसिटी मतलब होता है अत्याचार किसी पर करना, यानी किसी पर क्या करना, वारवरिटी करना, वायलेंस करना, किसी पर अत्याचार करना। अटेन। अटेन मतलब होता है प्राप्त करना, अचीव करना किसी चीज़ को, गोल को, जैसे अचीव किया जाता है, क्या किया जाता है, गोल को अचीव किया जाता है, यह कोलोकेशन है। एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब होता है गुण, कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी। एट्रीब्यूट मतलब होता है किसी चीज़ का गुण होना, जैसे व्यक्ति विशेष या कोई भी चीज़ का गुण बताता है, यानी उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें अंदर क्या क्वालिटी है, उसके बारे में एट्रीब्यूट कराता है। अगला ऑगस्ट। ऑगस्ट मतलब होता है EUGST मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना। ये इसका मतलब होता है गरिमापूर्ण, भव्य, यानी मैजेस्टिक, डिग्निफाइड, एमिनेंट। क्या होता है, मैजेस्टिक। मैजेस्टिक मतलब भव्य, डिग्निफाइड। डिग्निफाइड कैसा नेचर रहना चाहिए हम लोगों का, डिग्निफाइड नेचर रहना चाहिए, गरिमापूर्ण, एमिनेंट। एमिनेंट होता है प्रख्यात, प्रख्यात, विशेष, प्रख्यात है, जो क्या फेमस है, जो व्यक्ति क्या पर्सनालिटी, ऐसा पर्सनालिटी जिसका क्या फेमस है, प्रसिद्ध है, उसको बोलते हैं एमिनेंट पर्सन। जैसे बोलते हैं ना कि ये एमिनेंट पर्सन है, अमिताभ बच्चन को बोलते हैं एमिनेंट क्वालिटी का व्यक्ति है। तो ये हो गया। ऑरा। ऑरा मतलब होता है वातावरण, प्रमंडल, मतलब अपने आपके चारों ओर, जैसे आप हैं, इसके चारों ओर जो वातावरण होता है उसको ऑरा बोलते हैं। जैसे फूल है, फूल का यदि चारों ओर क्या खुशबू का वातावरण रहेगा, तो प्रभा मंडल, हैलो बोलते हैं। ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ, यही बोलते हैं। ओमिनियस। ओमिनियस मतलब होता है अशुभ, लेकिन ऑस्पिशियस मतलब क्या होता है,
एक होता है सस्पिशियस। सस्पिशियस मतलब क्या होता है, संदेह करना किसी पर, किसी पर क्या करना, संदेह करना। ओमनिस मतलब अशुभ, तो ऑस्पिशियस मतलब क्या होता है, शुभ हुआ यानी फेवरेबल हुआ, जो आपके पक्ष में है उसको बोलते हैं क्या चाहिए, उसको बोलते हैं शुभ बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला, ऑस्टियर। ऑस्टियर मतलब क्या होता है साथियों, ऑस्टियर मतलब होता है क्या जी, सादा, जिसमें क्या है AUSTER, ऑस्टियर मतलब यहाँ पर देखिएगा सादा, सादा हुआ, सख्त हुआ, जो क्या हुआ स्ट्रिक्ट है, कठोर है। अन अडोर्न है, अस्टर्न है, अडोर मतलब क्या होता है सजाना, अडोर्न, अन अडोर्न है। अगला एट्रोसीड, एट्रो ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक जैसे बोलते हैं ना बहुत प्रकार के शासन होते हैं, जैसे डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है प्रजातंत्र, जिसमें सभी व्यक्तियों मतलब जनता, जनता जनार्दन के द्वारा चुना जाता है। एक होता है ऑटोक्रेटिक, जो निरंकुश है, जो क्या जैसे बोलते हैं ये हिटलर के बारे में नाम सुने होंगे, हिटलर क्या था निरंकुश शासक था, मतलब है तानाशाही करता था। ये हुआ डिक्टोर, इसको साइनोनिम बताएंगे तो डिक्टेटोरियल हुआ। एवेराइस, और भी बड़े सारे शासन हैं, जैसे धनी वर्णकों का सारा शासन होता है, एरिस्टोक्रेसी, मोनार्ची होता है राजा रानी का शासन, ये सारे बहुत सारे शासन का प्रकार है जिसके द्वारा क्या करते हैं रूल किया जाता है। अवराइस, अवराइस मतलब होता है लोभ यानी ग्रीड, लालची, क्या होता है लालची, क्यूपिडिटी, लालची, इसका क्या होता है क्यूपिडिटी, साइनोनिम होगा CUPIDITY, लालची, ग्रीडी तो हो, ग्रीड हो गया। अगला अवेंज, अवेंज मतलब होता है बदला लेना, रिवेंज करना, किसी से क्या करना रिवेंज करना, बदला लेना, पनिश करना, दंड देना, पनिशमेंट भी बोल सकते हैं नॉन फॉर्म में, तो यह हो गया बदला लेने के सेंस में। अवर्सन, अवर्सन मतलब करना घृणा करना, डिसलाइक करना, हेट करना, किसी से नफरत करना, घृणा करना। अवर्ट मतलब बचा लेना, प्रिवेंट करना, रोकना, अवर्ट मतलब क्या ना बचा लेना, इससे साइनोनियम होगा। और मतलब होता है श्रद्धा, एडमिरेशन, प्रशंसा करना, प्रेस करना, एडमिरेशन का साइनोनियम जाता है प्रेस। ये देखिए इसका मतलब नहीं होगा लेकिन सेंस वाइज जा सकता है, एडमिरेशन मतलब होता है प्रेस करना, और मतलब क्या होता है श्रद्धा, जैसे बोलते हैं ना कोई व्यक्ति में श्रद्धा है, इसके अंदर श्रद्धा है कि वह भगवान को मांगता है, श्रद्धा विश्वास है, एक तरह से धारणा है। और ये मतलब क्या होता है विकृत करना, क्या करना विकृत कर देना, क्रूकडली, बैफल, बैफल मतलब चकरा देना, पजल करना, कंफ्यूज करना, परप्लेक्स करना, उलझन बोल सकते हैं, जो क्या उलझन है, जिसका जिसका क्या है कोई समस्या उलझन में है, मतलब उसका समाधान नहीं मिल रहा है सही से, यानी पजल सिचुएशन में, कंफ्यूजन में, परप्लेक्स बोल सकते हैं। मतलब बैफलमेंट, बैफलमेंट मतलब क्या होता है उलझन, कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन। आगे बढ़ते हैं, मतलब बैन, बैन करना, जैसे बोलते हैं ना कि कोई कंपनी, कोई व्यक्ति को बैन कर दिया, मतलब निषेध कर दिया, प्रोहिबिट करना, जैसे आप रोड पर चलते होंगे तो बोल लिखा रहेगा कि यहाँ पर आना मना है, यानी बैन है, रेस्ट्रिक्शन एरिया, रेस्ट्रिक्शन भी बोल सकते हैं, उस पर बैन लगा गया, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। मतलब बैनल, बैनल मतलब होता है तुच्छ, बैनल मतलब क्या होता है तुच्छ, जो कॉमन प्लेस है। बैंग, BNG, बैंग मतलब जोर से मारना, यानी बीट करना, बैंग मतलब क्या होता है जोर से माना, BANL, बैनल मतलब क्या होता है तुच्छ होता है। बैनिस मतलब क्या होता है निर्वासित करना, बैनिस करना मतलब कि देश निकाल देना, एक्सपेल कर देना, बाहर निकाल देना, एक्साइल करना, देश को निकाल देते हैं उसको बैनिस बोलते हैं। बैनर मतलब होता है पताका, पोस्टर, जैसे पोस्टर बहुत चीज़ का हो सकता है, पोस्टर मतलब समझ गए होंगे, जिसमें क्या होता है फिगर रहता है, बैनर। बार्गेन मतलब होता है मोल भाव करना, जैसे डील करना, कोई चीज़ सामान खरीदते हैं बाजार में तो क्या करते हैं मोल भाव करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। बैसफुल मतलब होता है संकोची, बैसफुल मतलब क्या होता है संकोची, साय हुआ, इंट्रोवर्ट हुआ। देखिए एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति क्या होता है, जो खुले दिल का होता है, मतलब सभी बात को क्या करता है बता बोलता है, लेकिन इंट्रोवर्ट क्या होता है, देखिए ये बढ़िया क्वालिटी है, यदि आगे मतलब कि सोच को आगे बढ़ाना है तो क्या करना रहना चाहिए, हम लोग को एक्सट्रोवर्ट लाना चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड, माइंड है जो एक्सट्रोवर्ट में क्या होता है अच्छी तरीका से क्या होता है विकास करता है, लेकिन इंट्रोवर्ट में क्या होता है व्यक्ति अपने स्वयं में ही लीन रहता है, जिससे क्या होता है पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता, तो यहाँ हम लोग को एक्स्ट्रोवर्ट रहना चाहिए। अब बैटर, बैटर मतलब क्या होता है पीटना, क्या करना करना किसी को पीटना, यानी बीट करना, ये BATTER, बैटर मतलब पीटना होता है, लेकिन BATTL, बैटल मतलब जैसे बोलते हैं ना बैटल ऑफ पानीपत, बैटल मतलब लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ, तो कॉम्बैक्ट हुआ। बेकोन, बेकोन मतलब क्या ना इशारे से बुलाना, बेकोन मतलब इशारे से बुलाना,
किसी को कॉल करना, बुलाना, मतलब बेग्यूर मतलब होता है धोखा देना किसी को, डिसीव करना, चीट करना, चीट करना भी बोल सकते हैं, यानी मोहना, किसी को ठगना, डिसीव करना। बिहेवियर होता है जैसे प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार होता है, मतलब जो समाज के अनुसार मतलब परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, व्यवहार को डिफाइन किया जाता है कि इसका व्यवहार कैसा है। तो व्यवहार हुआ, कंडक्ट हुआ, मतलब बिहू, बिहू मतलब होता है योग्य होना, नेसेसरी होना। बिहू मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का नेसेसरी होना। एक नेसेसरी होता है अनिवार्य, अनिवार्य के सेंस में, अनिवार्य नेसेसरी जैसे बोलते हैं ना हम लोग का नेसेसरी थिंग्स क्या चाहिए, जैसे व्यक्ति का नेसेसरी थिंग्स बोलता है, बोला जाता है रोटी कपड़ा मकान। जैसे स्टूडेंट का नेसेसरी थिंग क्या है, बुक हुआ, पेन, बुक हुआ, बुक से रिलेटेड मतलब पढ़ाई से रिलेटेड थिंग्स हुआ, तो नेसेसरी हो गया। तो बिहू मतलब क्या होगा, योग होना, योग होना, योग होना मतलब उसके लिए एबिलिटी, उसमें क्या है क्षमता, उसमें क्या है उसके लिए वे, उसमें वह गुण है योग होने का, उसको बोल सकते हैं। बिलीफ मतलब होता है भरोसा, बिलीफ मतलब क्या होता है, किसी में भरोसा होना, फेथ होना, बिलीव होना, विश्वास होना। बेलीजेरेंट मतलब होता है लड़ाकू, झगड़ालू, झगड़ा झगड़ालू बोल सकते हैं, होस्टाइल बोल सकते हैं, एंटागोनिस्टिक बोल सकते हैं। ये सारे क्या हुआ, सैनोनियम हो गया। आगे बढ़ते हैं, अलग बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी जैसे सरकार के द्वारा बेनिफिशियरी मतलब लाभार्थियों को क्या दिया जाता है, मुनाफा, पैसा दिया जाता है, तो लाभार्थी हो गया। बेनिफिशियरी मतलब क्या होता है साथियों, लाभार्थी यानी रेसिपिएंट, जो क्या करता है, जो लाभ लेता है उसको बोलते हैं। बेनोबेलेंस मतलब भलाई, उदार, उदार बोल सकते हैं, काइंडनेस, कंपैशन, काइंडनेस, कंपैशन। मतलब बेरेफ्ट मतलब होता है वंचित करना, किसी का डिप्राइव करना, मतलब किसी चीज़ से वंचित कर देना, डिप्राइव करना, बेरेफ्ट करना। बेस्टिल मतलब होता है, बेस्टिल मतलब गब्बार, असभ्य, बेस्टिल मतलब ब्रूटस, असभ्य, और सब का भी बड़ मीनिंग है जो अभी आ नहीं रहा। ब्रिस्टिस मतलब क्या होता है, जो अनसिविलाइज बोल सकते हैं, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड हो सकता है। ये सारे क्या, गवार, बेस्टिल मतलब गवार, असभ्य, ब्रिचुअल। बेबिल्डर मतलब होता है कन्फ्यूजन, घबराहट, कन्फ्यूजन, परप्लेक्स, कन्फ्यूजन, परप्लेक्स बोल सकते हैं, परप्लेक्स, मेटल, ये सारे इसका सैनोनियम जाएगा। बेविच मतलब होता है मोहित करना, किसी को क्या करना, मोहित करना, कैप्टिवेट करना। बेविच, बेविच मतलब मोहित करना। बिब्लियोफाइल मतलब पुस्तक से प्रेमी, जो क्या करता है पुस्तक मतलब बुकों से लवर है, लवर किसका है, तो बुक का है। मतलब बाइफर्केट मतलब होता है दो शाखाओं में कटना, मतलब दो भागों में बटना, बाइफर्केट, बाइफर्केशन मतलब होता है द्विभाजन, द्विभाजन करने का मतलब दो पार्ट में बदलना, जैसे एक पार्ट ये रहता है यहाँ से काट दिया तो दो पार्ट में बट गया। अलग बाइंड, बाइंड मतलब होता है बांधना, किसी चीज़ को बांधना, यूनाइट करना, फास्टन करना, बांधना, गांठ को जैसे बांधा जाता है ना, बांधना दो को के बीच में। अलग ब्लैबर, ब्लैबर मतलब होता है गप्पी, बक बक करना, नहीं नॉनसेंस करना। ग्लैबर, ब्लैबर मतलब होता है गप गप्पी करना, गप गप करना यानी बक बक करना, उसको बोलते हैं। चैटर, पैटल भी बोल सकते हैं, चैटर या पैटर ऐसे होता है, चैटर मतलब बक, पैटर करना मतलब दिन भर बक बक करते रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब ब्लेंड, ब्लेंड मतलब होता है मिलाना, मिलाना मतलब क्या होगा, इसका लिखा होगा, लिख लीजिएगा, मर्ज, मर्ज मतलब क्या होता है, मिलाना। जैसे आप लोग वीडियो में करते होंगे, एडिट करते होंगे, तो मर्ज करते हैं एक वीडियो से दूसरे वीडियो में, क्या करते हैं मर्ज करते हैं, मिलाते हैं। ब्लिंग जैसे माउस के, माउस जैसे कंप्यूटर में चलाएगा तो मिल मिलाता है, मतलब झिल मिलाना, फ्लिकर होना, मतलब उसमें क्या होता है एक तरह से मिल मिलाते रहता है, मतलब उसमें चेंजेबल आता रहता है। अगला ब्लिस्टर, ब्लिस्टर मतलब क्या होता है, छाला, ब्लिस्टर मतलब छाला। बुंड, बब्बल, बुंड हुआ, बुंड मतलब घाव हुआ, बब्बल छाला। ब्लूम मतलब होता है फूल खिलना, ब्लूम जैसे बोलते हैं ना द फ्लावर ब्लूम इन द गार्डन, फ्लावर मतलब खिलना। ब्लंडर मतलब होता है बड़ी भूल, ब्लंडर मिस्टेक जैसे बोलते हैं, ब्लंडर मिस्टेक्स मतलब बहुत बड़ी भूल होना। बॉड, बी ओ आर डी, बॉड मतलब होता है खान पान, बी ओ आर डी मतलब क्या होता है, खान पान। एक बोलेगा बॉड मतलब होता है चौड़ा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, खान पान मतलब क्या होना, फूड होना, बॉड मतलब फूड होना। बोस्ट मतलब छोटी दिखावा करना, बोस्ट मतलब झूठा, से सेखी मारना बोलते हैं, सेखी मारना मतलब झूठा दिखावा, झूठा घर, प्राइड। बोगस मतलब होता है जाली, नकली, फेक, जाली बोल सकते हैं, नकली बोल सकते हैं, फेक बोल सकते हैं, डुप्लीकेट बोल सकते हैं। डुप्लीकेट तो जब फेक, ये डुप्लीकेट तो नहीं जाएगा लेकिन फेक जाएगा, साइनोनियम में जा सकता। बोल्डनेस मतलब होता है निर्भीकता, ब्रेवरी, ब्रेवरी बोल सकते हैं, और भी ब्रेवरी का साइनोनियम होगा जिसमें क्या साहस है, तो उसको ब्रेवरी, बोल्डनेस मतलब ब्रेवरी। बोल्स्टर मतलब सहारा देना किसी को, स्ट्रेंथन करना, क्या
क्या करना, स्ट्रेंथन करना, बोलस्टर मतलब बोना बोन बोनंजा मतलब होता है अप्रत्याशित लाभ, बोनस बोनंजा मतलब क्या होता है अप्रत्याशित लाभ, जो अचानक मिलने वाले लाभ उसको बोलते हैं बोनंजा। एक बड़ी इसका और था जो अप्रत्याशित लाभ होता है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा, बोनंजा मतलब अप्रत्याशित लाभ जो अचानक मिलता है लाभ। बोनोमाय मतलब मिलनसारिता, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप। बोहेमाइन मतलब क्या होता है मिलनसारता, जो सभी से लगे घुल मिल जाता है, घुल मिल जाने वाला व्यक्ति को बोलते हैं घुल मिल जाने वाले को, घुल मिल जाने वाले को बोलते हैं क्या चाहिए, बोहेमाइन। ब्रेस मतलब क्या होता है तैयार करना। 45, 45 मतलब ऐसे होता है मजबूत करना, 45 मतलब क्या होता है स्ट्रांग, मजबूत करना यानी तैयार करना, 45 करना। ब्रेस मतलब क्या होता है फोर्टिफाई करना। अगला ब्रैट, ब्रैट मतलब होता है बिगड़ौला बच्चा यानी स्पॉइल्ड चाइल्ड। ब्रैट मतलब क्या होता है बिगड़ौला बच्चा, बिगड़ा जो भी क्या है बिगड़ा हुआ बच्चा उसको बोलते हैं ब्रैट। ब्रीच मतलब होता है नियम कानून को उल्लंघन किया जाता है यानी वायलेशन किया जाता है, क्या करता है उल्लंघन करना। ब्रेक थ्रू मतलब होता है महत्वपूर्ण खोज यानी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी उसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू। ब्रिज मतलब हवा, ब्रिज जैसे बोलते हैं ना कि इसके क्या बोलते हैं सी में ब्रिज है, सी ब्रिज, सी ब्रिज बोलते हैं मतलब समुद्र का जो हवा होता है सी ब्रिज। बेबीटी मतलब होता है संक्षेप, बेबीटी मतलब क्या होता है संक्षेप, क्रिस क्रिस्पेसनेस, बेबीटी मतलब क्या होता है संक्षेप होना, कंसाइस हो सकता है कंसाइस। ब्रिस्क मतलब होता है तेज, ब्रिस्क मतलब क्यूक, फास्ट एंड तेजी से क्यूक। ब्रुचलाइज मतलब होता है निर्दयी, ब्रुचलाइज मतलब होता है निर्दयी व्यवहार यानी इलट्रेट का ऐसा व्यवहार करना जो इलट्रेट हो, जो निर्दयी हो, जो क्या हो मानवीय रूप से स्वीकार नहीं हो, बल्कि मतलब होता है भारी भरकम, मैसिव, ह्यूज, एनॉर्मस, एनॉर्मस मतलब क्या होता है ह्यूज, ये सारे इसका सोनोनिम है। बुल हेडेड मतलब होता है हठीला व्यक्ति, जो क्या एक ही बात पर अडिग रहता है, एक ही बात पर अड़े हुए रहता है यानी हेड स्ट्रॉन्ग। बमटियस मतलब होता है अहंकारी, घमंडी उसको बोलते हैं कंसिएटेड मतलब घमंडी। बमटियस मतलब बस्टल, बस्टल मतलब होता है हलचल करना, मतलब कि हेस्ट हेस्ट हेस्ट। रैस, रैस मतलब होता है जल्दी जल्दी करना, रस हेस्ट मतलब भी जल्दबाजी मतलब हलचल करना। कैंडेंस मतलब होता है लय ताल, कैंडेंस मतलब रिदम, रिदम रिदम जैसे बोलते हैं रिदम में रहना चाहिए, मतलब कंटिन्यूस फॉर्म में रहना चाहिए, रिदम। कैंडेन मतलब लय और ताल। मतलब कैलकुलेशन मतलब हिसाब, गणना करना, काउंटिंग करना, गणना करना, काउंटिंग करना। अलग कैलिबर, कैलिबर में जैसे आपके हमें क्षमता कितना है, कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी मतलब क्षमता। लाइक काम मतलब शांत, पीसफुल, रिलैक्स, क्वाइट, सूथ, सूथ, ये सारे क्या हुआ इसका सैनोनिम हुआ। कैंसिल मतलब रद्द करना, वोलिस मतलब समाप्त करना, रिजेक्ट बोल सकते हैं रद्द करना, रिजेक्ट करना। आगे बढ़ते हैं, कैनी मतलब क्या होता है चालाक, क्लेवर, कैनिंग मतलब चालाक। कैंटर क्यूरियस मतलब झगड़ालू, झगड़ालू यानी क्वारल सम। कैंटन क्यूरियस मतलब कैपिचुलेट मतलब हथियार डालना, मतलब कैपिचुलेट करना मतलब सरेंडर करना, सरेंडर जैसे आतंकवादी लोग क्या करता है सरेंडर करता है। कैरिकेचर मतलब होता है व्यंग चित्र यानी ग्रोटेस्क्यू, ग्रोटेस्क्यू मतलब होता है विचित्र, व्यंग चित्र। अलग कार्नेज मतलब होता है मार काट, कार्नेज मतलब स्लॉटर, स्लॉटर मतलब मार काट, स्लॉटर मतलब जानते हो कि जहाँ कहाँ कर क्या करता है, मस जो बक जो जानवरों को काटा जाता है उसको बोलते हैं। कैरोस मतलब खान पान, खान पान कर आनंद मनाना यानी फ्रोलिक क्वैफ, खान पान कर आनंद मनाना कैरोस हुआ। इसका सैनोनिम की बात करें तो फ्रोलिक, क्वैफ QUADF क्वैफ याद रखिएगा ये दोनों। लाइक कैटलिस्ट मतलब जानते हैं कैटलिस्ट, किसी भी मान लें कि पदार्थ में कोई कैटलिस्ट मिला जाता है मतलब रिएक्शन को क्या करता है फास्ट कर देता है यानी एक्टिवेटर है। कैटेस्ट्रोप मतलब होता है तबाही, आपदा यानी कलेमिटी, ट्रेजेडी, डिसास्टर, जो विपदा आता है उसको बोलते हैं ट्रेजेडी, कैटेस्ट्रोप। कावट मतलब ऊर्जा से उछल कूद करना, कूदना तो जड़ से। अला सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मतलब मनाना, जैसे बोलते हैं ना सेलिब्रेशन मनाया गया। ऑनर मतलब ऑनर इसका सर्वनेम जाएगा सेलिब्रेट, जैसे सेलिब्रेशन इंडिया, जैसे कोई राज का स्थापना सेलिब्रेशन मनाते हैं। सेरिमोनियल मतलब शिष्टाचार युग, शिष्टा यानी फॉर्मल होना, औपचारिक, फॉर्मल मतलब क्या होता है औपचारिक रूप से, शिष्टाचार युक्त रहना चाहिए। सर्टेन मतलब होता है निश्चित, जो श्योर होना, सर्टेन मतलब क्या होता है निश्चित, डिफिनिट बोल सकते हैं जिसका होना निश्चित, डिफिनिट।
अलाए चेफ, चेफ मतलब होता है इरिटेट, झुंझला देना, क्रोध करना। चेफ मतलब सी एच एफ ए मतलब होता है रगड़ कर आग पैदा करना, झुंझला देना, क्रोध करना, इरिटेट करना, किसी को चिढ़ाना। इरिक्सम बोल सकते हैं, इरिक्सम। चैलेंज मतलब होता है किसी ऑब्जेक्शन, आपत्ति उठाना, चैलेंज करना, ऑब्जेक्शन करना। चेंज मतलब होता परिवर्तन, अल्टर। कायोस मतलब होता डिसऑर्डर, अराजकता, मिक्सअप। कायोस मतलब अस्त व्यस्त, कन्फ्यूजन, टर्मोइल, डिसहारमोनी, डिसएरे। कैरेक्टर मतलब चरी, ट्रेड। ट्रेड जैसे मेंडल क्या कहता था, मतलब मेंडल जो पी मटर मटर के ट्रेड पर क्या कहते, रिसर्च किए थे। करिश्मा मतलब होता प्रतिभा, चाम। कैरी सी एच आर, कैरी मतलब सावधान, कॉशियस। कैरी चैरी मतलब क्या होता है, कॉशियस, जो सावधान है, जो क्या हो मतलब कि अपने आप चौकन्ना हो, जो चौकन्ना हो, चौकन्ना बोल सकते हैं, चौकन्ना। चेस्टिस मतलब होता है दंड देना, यानी रिप्रीमाइंड करना। चेस्टिस मतलब क्या होता है साथियों, दंड देना किसी को, पनिशमेंट करना, पनिश करना, पनिश करना। चेविनिस मतलब कटुता, जिलोट्रिक कट्टर, कट्टरता। चेविनिस मतलब होता है क्या, कट्टरता, यानी जिलोरिटी हो गया, जिलोरिटी। चैट चैट मतलब डांटना, रिव्यू करना, स्कॉल्ड करना। चौक, चौक मतलब जम जाम होना, यानी ब्लॉक करना। चौक मतलब क्या होता है, ब्लॉक होना। चूसी मतलब होता है सेलेक्टिव, चयनात्मक। चूजी मतलब बहुत सारे ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से चूज करते हैं ना, सेलेक्टिव करते हैं, यानी पिकी। कोरस मतलब होता है सहगान, सिंगिंग ग्रुप। कोरस मतलब क्या होता है, गायकों का दल होता है, बोल सकते हैं गायकों का समूह या दल, गायकों का दल या समूह। कोयस बोल सकते हैं। रिसाइटेटल मतलब किला, फोर्टलेस, किला बोल सकते हैं, राजा महाराज का जो पहले किला होता था, किला, फोर्ट्रेस। क्लैरी वोयंट मतलब भविष्य सूचक, प्रोफेट, प्रोवेट, जो भविष्य के बारे में बताता है उसको बोलते हैं। क्लैरी वोयंट। क्लैश मतलब होता पकड़ लेना, मजबूती से पकड़ना, क्लैश करना, मजबूती से पकड़ना, मजबूती से क्या करना, पकड़ना, मजबूती से पकड़ना, क्लैश करना। क्लीन, क्लीन मतलब क्या होता है, साफ। क्लेमेंट, सी एल एम, क्लेमेंट, ऑनेस्ट, दयालु, दयालु मतलब माइल्ड। क्लीन मतलब साफ, माइल्ड, ऑनेस्ट, इसका भी तो ऑनेस्ट जाएगा, दयालु, माइल्ड, क्लीन। क्लाइमेक्स मतलब होता है चरम बिंदु, यानी कल्मिनेशन, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। नदी, क्यूमन, क्यूमन बोल सकते हैं। क्लिंच मतलब पक्का करना, यानी फाइनलाइज करना है, सी एल आई एन सी एच डी, क्लिंच। क्लोस्टर मतलब होता है तनहा, तनहा यानी आइसोलेटेड, आइसोलेटेड, अकेला, थकेला। क्लोस्टर मतलब क्लस्टर मतलब समूह, असेंबलाइज। कोडर मतलब लाड़ प्यार करना, सेटिस्फाई करना। कोर्स मतलब मजबूर करना, प्रेशराइज करना। कोर्स मतलब क्या होता है, सी ओ आर से मतलब मजबूर करना किसी को। कंसिडेंस मतलब एक दफ़ा, अचानक होने वाला, को इंसिडेंस। कोलाबरेट मतलब मिलकर काम करना, इकट्ठा। कोल्यूड, कोल्यूड, सीओडब्ल्यूड, कोल्यूड मतलब क्या होता है, मिलकर काम करना। कोलेट मतलब होता है एकत्र करना, कोलेट, कोलेट करना, असेंबल करना। कंबस्टेबल मतलब ज्वलनशील, इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, जो ज्वल ज्वलनशील हो, ज्वलन, ज्वलनशील। कमोमरेट मतलब होता है मनाना, सेलिब्रेट करना, कमोमरेट। कमेंडेबल मतलब सराहनीय, प्रेजवर्दी। कॉमन मतलब होता है समान, यूजुअल लोग, इसका एंटोनिम क्या हो गया, अनयूजुअल, अनयूजुअल, जो समान नहीं हो। कमोशन मतलब हो हल्ला, डिस्टरबेंस, फर्स, हो हल्ला मतलब शोरगुल। कम्यूट मतलब होता परिवर्तन करना, कन्वर्ट करना, कम्यूट करना मतलब परिवर्तन करना, चेंज करना, म्यूटेशन करना। कंपेंसेट मतलब कमी पूर्ति, यानी मुआवजा देना, जो क्षतिपूर्ति हुआ था उसके लिए। कम्पिटेंट मतलब सक्षम, केपेबल, योग, सक्षम, कम्पिटेंट, कम्पिटेंट। आगे कंप्ली, कंप्लिएंट, कंप्लिएंट मतलब होता है आज्ञाकारी। सबमिसिव, सबमिसिव मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी, जो व्यक्ति आज्ञाकारी होता है, जो बात मानता है सबको, उसको बोलते हैं सबमिसिव, उसको बोलते हैं कंप्लिएंट। कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है जटिल, कॉम्प्लेक्स, जटिल हुआ, कंप्लीट। कंपाइल मतलब होता पालन करना, कंपाइल मतलब ओबे करना, पालन करना। कंपाइल,
कंपोज मतलब संग्रह करना, कलेक्ट करना, कंपोज जैसे डिक्शनरी को कंपोज किया जाता है, कंप्रिहेंड मतलब समझना, अंडरस्टैंड, कंपक्शन मतलब होता है आत्मसंलग्न, क्या होता है अपने आप में संलग्न, स्क्रूपलेस, रिमोर्स, रिमोर्स मतलब होता पछताना होता है, और आत्मग्लानि होना, रिमोर्स मतलब पछताना, तो रिपेंटेंस, रिपेंटेंस भी बोल सकते हैं, कंपक्शन, कंपक्शन मतलब क्या होता है पछताना के सेंस में, पछताना, आत्मग्लानि, अपने आप को मतलब कोई गलत काम किया तो अपने आप में क्या हो रहे हैं, घुट रहे हैं, मतलब क्या आत्मग्लानि हो रहे हैं, स्क्रूपलेस हो रहे हैं, रिमोर्स हो रहे हैं, कंसील मतलब हाइड, गुप्त, छिपाना, कंसील्ड मतलब क्या होना, CONC, कंसील्ड हुआ, CONCELD मतलब गुप्त हुआ, कंसील्ड, CONCED, कंसील्ड मतलब क्या होता है मान जाना, यानी परमिट, कंसील्ड मतलब मान जाना, कंसेशन मतलब होता है रियायत, अलोवेंस, कंसेशन, CONCELD मतलब रिया, अलोवेंस करना किसी को, भत्ता जैसे बोलते हैं ना, अलोवेंस दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है, मतलब रियायत दे दिया जाता है, कंक्लूड मतलब समाप्त करना, एंड करना, निष्कर्ष निकालना, कनकोटेड मतलब होता है मनगढ़ा, ड्यूबियस, कनकोटेड मतलब मनगढ़, ड्यूबियस मतलब संदेह होता है, ड्यूबियस मतलब संदेह, कन, CONCOCTD, कॉन्कुरेंस मतलब होता है सहमति होना, एग्रीमेंट होना, कॉन्कुरेंस होगा, कंडेम मतलब निंदा करना, क्रिटिसाइज करना किसी को, पबनिश करना, डिनाउंस करना, निंदा करना, कंडेम करना, कॉन्कुरेंस मतलब सहमति होना। अगला ऐसा होता है कंडेंसेंडिंग, कंडेंसेंडिंग मतलब प्रोत्साहक, प्रोत्साहक ढंग से, यानी पेट्रोनाइजिंग, कंडेंसेंडिंग मतलब होता है कंडेसेंडिंग, कंडेंसेंडिंग मतलब क्या होता है प्रोत्साहक ढंग से, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन बनता है क्या होता है किसी को प्रोत्साहित करना कोई काम के लिए, मतलब उसको क्या करना, एक तरह से आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, कोई जैसे बोलते हैं ना कि कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें से कैटलिस्ट डालते हैं तो रिएक्शन तेज़ी से वो बढ़ जाता है, तो इसी तरह कोई व्यक्ति को क्या करें प्रोत्साहन कर रहे हैं ताकि वह काम को कर सके, यानी पेट्रोनाइजिंग। अलग कंडेंसेशन, कंडेंसेशन नम्रता, नम्रता, डिसडेन, डिसडेन, डिसडेन मतलब होता है नम्रता, कंडोन, कंडोन मतलब होता है ध्यान ना देना, कंडोन मतलब क्या होता है ध्यान ना देना, ओवर लुक, फॉरगिव, CONDON। अलग कॉन्फेडरेट मतलब होता है संधि करना, कंबाइंड, ट्रीटी, ट्रीटी करना, कंबाइन करना, कन्फेस मतलब काबुल, स्वीकार करना, एडमिट करना, अक्नॉलेज करना, कन्फेस, कॉन्फिडेंशियल मतलब गोपनीय, सीक्रेट, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल मतलब होता है गोपनीय, कन्फिस्टिकेट मतलब जब्त करना, सीज करना, कॉन्फ्लैग्रेशन, कॉन्फ्लैग्रेशन मतलब होता है आग, फायर पकड़ना, कन्फ्लिक्ट मतलब मतलब क्लैश करना, बैटल, कॉन्फ्रेंट मतलब सामना करना, टू अकॉस्ट करना, सामना करना, कन्फ्यूजन मतलब होता अस्व्यस्था अवस्था, मडल, कमोशन, कंग्रीगेशन मतलब होता मंडली, असम्बली, मीटिंग, कॉन्ग्रेंट मतलब दो ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट हुआ, मतलब सर्वांगसम हुआ, आइडेंटिकल हुआ, कॉन्ग्रुअस मतलब होता उपयुक्त, बैलेंस, कॉन्ग्रुअस, कंज्यूर मतलब होता मंत्रमुग्ध करना, अपील करना। तो आज के लिए इतना ही साथियों, बढ़ते